हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज के वीडियो में हम लोग जिगजैग ट्रैवर्सल देखेंगे। आई होप कि जिगजैग ट्रैवर्सल देखने से पहले आप लोगों ने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑलरेडी देख लिया है। और इस जिगजैग ट्रैवर्सल को देखने से पहले आपको मैं एक और वीडियो सजेस्ट करूंगा कि आप लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रैवर्सल्स को भी देख लीजिए। लेफ्ट व्यू राइट व्यू ट्रैवर्सल्स में हम लोगों ने इंश्योर किया था कि हम जब भी किसी नोड को सेट कर रहे हैं या किसी नोड के साथ हम वर्क कर रहे हैं तो हम उसके लेवल को सेट कर देते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी जिगजैग ट्रेवर्सल में भी हम उसी की हेल्प लेंगे उस लेवल की, जिससे कि हम जिगजैग ट्रेवर्सल प्रिंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जिगजैग ट्रेवर्सल का मीनिंग क्या है। अगर हमारे पास ये ट्री गिवन है तो इसमें हम सबसे पहले 40 को प्रिंट कर लेते हैं और 40 को हम लेफ्ट से राइट चल के प्रिंट करते हैं। चूंकि ये सिंगल नोड है तो इसकी प्रिंटिंग 40 ही होनी है। लेकिन नेक्स्ट लेवल में जब हम आएंगे तो हम राइट से लेफ्ट प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम 60 को प्रिंट करेंगे एंड देन 20 को प्रिंट करेंगे। जब हम नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करेंगे तो हम लेफ्ट से राइट चलने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेवल में हमारे जो नोट्स हैं वो 30, 10, 25 और 55 है। इस ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी। फिर हम जब नेक्स्ट लेवल में आएंगे तो अगेन राइट टू लेफ्ट प्रिंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट अगर आप चलेंगे तो 50, 67 और 100 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक लेवल में आपको लेफ्ट से राइट चलना है, प्रिंटिंग करनी है। एक लेवल में आपको राइट से लेफ्ट चलना है और प्रिंटिंग करनी है। नेक्स्ट लेवल में फिर से लेफ्ट से राइट चलना और प्रिंटिंग करनी है। और नेक्स्ट लेवल में फिर से राइट से लेफ्ट चलना है और प्रिंटिंग करनी है। इसका मतलब कि हम जिगजैग चल रहे हैं और प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए या इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हम लेवल का सहारा लेते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रैवर्सल में ऑलरेडी लेवल का कॉन्सेप्ट लिया था और हर एक नोड का हमने लेवल सेट कर दिया था। तो इस तरह से हम अगर इस नोड का लेवल सेट करें तो ये जीरो हो जाएगा और हम एक हैश टेबल मेंटेन करते थे और उस हैश टेबल में जीरो लेवल के सभी नोट्स को इस हैश टेबल में स्टोर करते थे। सो लेट्स से ये जीरो लेवल के नोट्स स्टोर करने का प्लेस है, ये वन लेवल, ये टू लेवल और ये थ्री लेवल, क्योंकि इस मैक्सिमम हाइट इस ट्री की थ्री है। तो इसका मतलब है कि हम 3 + 1 4 साइज का ये हैश टेबल बनाएंगे और इस हैश टेबल में ये जीरो लेवल के नोट्स को स्टोर करेगा, ये वन लेवल के नोट को स्टोर करेगा, ये टू लेवल के और ये थ्री लेवल के नोट्स को स्टोर करेगा। तो ये जो हैश टेबल है इसमें हम सबसे पहले रूट नोड की एंट्री कर देते हैं जीरो लेवल पे और इसको हम क्यू में भी इंसर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद इस हम 40 को क्यू से डिलीट करते हैं और क्यू से डिलीट करने के बाद 40 के लेफ्ट नोड जो है उसकी उसका जो लेवल है वो 40 से एक ज्यादा सेट कर देते हैं, मतलब 1। इस नोड को क्यू में इंसर्ट करते हैं और इसके लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको इस हैश टेबल में भी इंसर्ट करते हैं। एंड देन 40 के राइट में जो एलिमेंट है वो है 60। इसका भी जो लेवल होगा वो 40 से एक ज्यादा होगा। तो 60 को हम अब क्यू में इंसर्ट कर देते हैं और 60 को लेवल 1 वाले एंट्री में भी सेट कर देते हैं हैश टेबल में। इसके बाद हम 20 को डिलीट करते हैं अपने क्यू से और 20 से लेफ्ट नोड जो है वो 30 है। इसका लेवल 20 वाले नोड से एक ज्यादा होगा। 20 वाले नोड का लेवल 1 है तो इस वाले नोड का लेवल 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम 30 नोड को क्यू में डाल देते हैं और टू लेवल में हैश टेबल में इसकी एंट्री ले लेते हैं। सिमिलरली 20 के राइट में जो नोड है वो 10 है, इसका भी जो लेवल होगा वो 2 हो जाएगा। और 10 को हम इंसर्ट करते हैं क्यू में और 10 को टू लेवल में एंट्री करा देते हैं हैश टेबल में। इसके बाद क्यू से डिलीट होने वाला नोड 60 होगा और 60 के लेफ्ट में जो नोड है वो 25 है, इसका लेवल 2 हो जाएगा 60 से एक ज्यादा। 25 की एंट्री क्यू में कराते हैं और 25 की एंट्री हैश टेबल में भी करा देते हैं इस प्लेस पे लेवल नंबर 2 के रो में। एंड देन इसके बाद 60 के राइट में हमारा 55 है, 55 का भी लेवल 2 हो जाएगा। 55 को पहले हम क्यू में इंसर्ट करेंगे और इसके बाद हैश टेबल में 2 नंबर रो में इसकी एंट्री हो जाएगी। क्यू से नेक्स्ट डिलीट होने वाला आइटम 30 है, जिसके लेफ्ट और राइट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एंट्रीज नहीं होंगी। नेक्स्ट हम 10 को डिलीट करते हैं, 10 के लेफ्ट में 100 है, 100 का लेवल सेट हो जाएगा 2 से एक ज्यादा, मतलब 3। तो 3 लेवल में 100 की एंट्री होगी। इसके बाद 10 के राइट में है 67, इसका भी हाइट 3 सेट, इसका भी लेवल 3 सेट हो जाएगा। और 60 सॉरी 100 को हमने इंसर्ट नहीं किया, क्यों, मैं भूल गए, कोई बात नहीं, 100 को भी हम इंसर्ट करेंगे और 67 को भी इंसर्ट करेंगे और 100 67 दोनों को हम हैश टेबल में भी 3 नंबर रो में एंट्री करा देंगे। इसके बाद हम 25 को डिलीट करते हैं, जिसके लेफ्ट और राइट में कोई भी नोड्स नहीं है। फिर हम 55 को डिलीट करते हैं, 55 के लेफ्ट में 50 नोड है, इस 50 नोड की जो लेवल होगा वो 2 + 1 3 सेट हो जाएगा और इसकी एंट्री हम करा देंगे हैश टेबल में 3 नंबर रो में और 50 की एंट्री क्यू में भी हो जाएगी।
से नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करते हैं वो है 100, और आप देख रहे हैं कि 100 के लेफ्ट और राइट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इसका काम फिनिश हो गया। देन 67 को डिलीट करते हैं, इसके लेफ्ट और राइट में भी कुछ नहीं है। 50 को डिलीट करते हैं, इसके लेफ्ट राइट में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्यू हमारा एम्प्टी हो गया, और जैसे हमारा क्यू एम्प्टी हो गया हम क्यू में स्टोरेज का प्रोसेस और लेवल को सेट करने वाले प्रोसेस को फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, एक जो हैश टेबल हमारा गिवन है इस हैश टेबल में एंट्री करते हैं यहाँ पे, और एक हम फ्लैग ले लेते हैं और इस फ्लैग को हम 1 सेट कर लेते हैं। इस फ्लैग की वैल्यू को हम लगातार इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अगर फ्लैग की वैल्यू ऑड है तो हम लेफ्ट से राइट प्रिंटिंग करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये ऑड है, तो हम पहले प्रिंटिंग करते हैं लेफ्ट से राइट 40 की। मतलब क्या है कि इस वाले रो में हम में प्रिंटिंग कराने जा रहे हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो इस वाले रो में हम जो प्रिंटिंग कराएंगे वो कराएंगे लेफ्ट से राइट, एंड दिस इज, जैसे हम नेक्स्ट में सेट करेंगे हम फ्लैग को सेट कर देंगे 2, और फ्लैग को 2 सेट करने का मतलब क्या है कि हम राइट से, ये फ्लैग इवन हो गया, तो इवन हो गया तब हम राइट से लेफ्ट की तरफ प्रिंटिंग कराएंगे नेक्स्ट रो में। फिर फ्लैग की वैल्यू 3 सेट कर देंगे जो ऑड हो गई, तो नेक्स्ट रो में हम इन प्रिंटिंग्स को करा देंगे लेफ्ट से राइट, एंड देन हम इसकी वैल्यू को 4 कर देंगे जो इवन हो जाएगा, एंड देन अगेन इसको हम प्रिंट करा देंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये जो प्रिंटिंग हो रही है आप पहले देख सकते हैं 40, देन 60 20, देन 30 10 25, 55 50, 67 एंड 100। तो ये लेफ्ट से राइट हुआ, ये राइट से लेफ्ट, ये अगेन लेफ्ट से राइट हुआ, और ये अगेन राइट से लेफ्ट। सो इस तरह से हम प्रिंटिंग करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से C++ STL से प्रिंट किया जाए। तो ये मेरा छोटा सा फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने रूट नोड का एड्रेस पास कर दिया है, दैट इज T, और उसके बाद हमने क्यू ले लिया है, और क्यू के बाद हम इस ट्री की हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ट्री की हाइट के अकॉर्डिंग ही हमारा हैश टेबल बनेगा। जितनी हाइट होगी उतने ही मैक्सिमम लेवल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हाइट 3 है तो मैक्सिमम लेवल्स जो हमारे 3 तक हो सकते हैं, और अगर 3 तक हमारे लेवल्स हैं इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो एंट्रीज होंगी हैश टेबल में वो 4 होंगी। इसलिए हमने H+1 साइज का एक हैश टेबल ले लिया, और ये एरे ऑफ वेक्टर है। तो इस एरे ऑफ वेक्टर में 0 नंबर रो में एंट्री होगी 0 लेवल नोड्स की, 1 लेवल 1 ST1 में एंट्री होगी 1 लेवल के नोड की, ST2 में एंट्री होगी लेवल 2 के नोड्स की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो रूट नोड हमारा है उसको हम क्यू में पुश कर देते हैं, क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, और रूट नोड का लेवल 0 सेट कर देते हैं। रूट नोड का लेवल 0 सेट करने के बाद इस हैश टेबल में जो भी रूट का लेवल है मतलब 0 लेवल में एक एंट्री कराते हैं इसके डेटा की। तो पुश बैक ऑपरेशन से हम एंट्री करा देते हैं 0 नंबर वाले हैश टेबल के रो में टी के डेटा की, एंड देन इसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, जब तक उसकी साइज 0 ना हो जाए, इसका मतलब यह है कि क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए हमारा प्रोसेस चलेगा। हमने क्यू के फ्रंट नोड को डिलीट कर लिया, और फ्रंट नोड को डिलीट करने के बाद फिर हमने ये देखा कि उसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके लेफ्ट का लेवल सेट कर दिया। तो देखिए 187 नंबर लाइन में एक्स का लेफ्ट हमने सेट किया है, और एक्स का जो एक्स के लेफ्ट का जो लेवल होगा वो एक्स के लेवल से 1 ज्यादा। इसके बाद हमने इस एक्स के लेफ्ट वाले नोड को क्यू में इंसर्ट कर दिया है, एंड देन उसके बाद इस डेटा वैल्यू को हम हैश टेबल में भी एंट्री करा देंगे। जैसे देखिए 189 नंबर लाइन में हो रहा है कि हैश टेबल में एक्स डॉट लेफ्ट डॉट लेवल, मतलब ये रो नंबर हमें बता रहा है, उसके लेवल में हम एक्स के लेफ्ट का डेटा इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली अभी हमने केवल लेफ्ट को चेक किया था एक्स के, हम राइट को चेक कर रहे हैं, राइट नोड का लेवल सेट कर रहे हैं एक्स के लेवल से 1 ज्यादा, क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं इस राइट नोड को, और फिर हैश टेबल में एंट्री करा रहे हैं जो भी हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग। तो जब भी हमारा हैश टेबल बन जाएगा और क्यू एम्प्टी हो जाएगा, देन उसके बाद हम जिगजैग ट्रैवर्सल्स को प्रिंट करेंगे। तो अगर हमारे पास ये ट्री है तो जिगजैग ट्रैवर्सल की प्रिंटिंग कैसे होगी? सबसे पहले हमने एक फ्लैग ले लिया, ऑर्डर को मान लीजिए कि फ्लैग है, या आप इसका नाम फ्लैग ही ले लीजिए, लेट्स से हमने इसका नाम फ्लैग ले लिया, और अगर फ्लैग ऑड है तो लेफ्ट से राइट प्रिंटिंग होगी, और अगर फ्लैग इवन है तो हमारी प्रिंटिंग राइट से लेफ्ट होगी। तो हमने इनिशियलाइज इसको ऑड से किया है, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे हम इसको इंक्रीमेंट करते चलेंगे ये ऑड इवन का शेप लेगा। तो अगर मान लीजिए कि ऑड है तो हमें लेफ्ट से राइट प्रिंटिंग करनी है। लेफ्ट से राइट हम प्रिंटिंग कैसे करेंगे? हम जिस भी ये पहले इस फॉर लूप को समझते हैं। इस फॉर लूप में कहा जा रहा है कि
आई इक्वल्स टू जीरो से लेके जितने भी एंट्रीज हमारे हैश टेबल में हैं या जितने भी रोज हमारे हैश टेबल में है उसके अकॉर्डिंग हमारा चलेगा। आई हमें रो नंबर देता है, तो जिस भी हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट, जिस भी रो नंबर को या जिस भी वेक्टर को हमें रेफर करना है उसको, अगर लेफ्ट से राइट चलना है तो हम जे इक्वल टू जीरो से लेकर उसकी साइज तक फॉरवर्ड लूप चलाते हैं और एस टी आई जे की प्रिंटिंग कर देते हैं। और अगर ये इवन है तो हम साइज -1 से स्टार्ट करते हैं और जीरो इंडेक्स तक पीछे की तरफ बैकवर्ड लूप चलाते हैं और एस टी आई जे की प्रिंटिंग कर देते हैं। चाहे हम प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट करें या प्रिंटिंग राइट टू लेफ्ट करें, लेकिन फ्लैग को इंक्रीमेंट करना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। आइए अब हम एक डेटा वैल्यू को लेके या एक ट्री को लेके हम इसकी प्रिंटिंग्स कराते हैं। तो राइट हैंड साइड में दिख रहा है जो हमारा ट्री है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्री कराते हैं। हमारा जो रूट नोड है वो 40 है। रूट नोड का लेफ्ट या 40 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है वो है 20, 20 का भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है वो है 30, 30 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, 30 का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, 20 का राइट एग्जिस्ट करता है दैट इज 10, 10 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज 100, 100 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, 100 का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, 10 का राइट एग्जिस्ट करता है दैट इज 67, 67 का लेफ्ट नहीं राइट नहीं, 40 का राइट है, 40 का राइट है 60, 60 का लेफ्ट है, 60 का लेफ्ट है 25, 25 का लेफ्ट नहीं राइट नहीं, 60 का राइट है, 60 का राइट है 55, 55 का लेफ्ट है, 55 का लेफ्ट है 50, और 50 का लेफ्ट नहीं और राइट भी नहीं, 55 का भी राइट नहीं है। ये हमारे ट्रैवर्सल्स हैं। हम चेक कर लेते हैं कि ये ट्रैवर्सल सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं ज़िगज़ैग ट्रैवर्सल में 40, वेरीफाई करते हैं यहाँ से। तो ज़िगज़ैग ट्रैवर्सल में जो प्रिंटिंग हो रही है पहले 40 देन 60 देन 20 देन 30 देन 10, इसके बाद 25 55 50 67 एंड 100। सो आई थिंक ये बिल्कुल सही आ रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। थोड़ा सा इसको छोटा करके ओके, हियर यू कैन सी कि जो भी डेटा प्रिंट हो रहा है बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही प्रिंट हो रहा है। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू हमने ज़िगज़ैग ट्रैवर्सल सीखा। आई होप कि ट्रैवर्सल्स में अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा। हम लोगों ने ऑलरेडी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू और वर्टिकल ट्रैवर्सल्स डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ज़िगज़ैग ट्रैवर्सल भी डिस्कस कर लिया। आई होप सारे काइंड के जो ट्रैवर्सल्स हैं वो कवर हो गए। और आपके पास अगर कोई एक रैंडम ट्रैवर्सल भी कोई पूछा जाता है तो आप किसी भी एग्जाम में उसको आसानी से कर लेंगे। तो पर्पज़ इन लेक्चर्स का केवल यही है कि आप इसको यूटिलाइज कर पाएं अपने प्लेसमेंट्स के लिए, हाई पैकेज कंपनी के प्रोडक्ट कंपनीज के प्लेसमेंट में आप इसको यूटिलाइज कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।